हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो भाई जय हो तुंगनाथ बाबा जी की, और करते हैं ब्लॉग को शुरू। ये अभी ब्लैंकेट लेके बैठा हुआ है, कह रहा है कि बारिश आ रही है, तो भाई अभी बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी हमने अपना है ना सामान वगैरह भी पैक कर, यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। ये हमारा आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ पे हमारे तुंगनाथ बाबा जी के बारे में लिखा हुआ है। यार इनके चार्जेस है ना 100 रुपीज़ का भी है, अगर आप रेंट पे लेते हो तो भाई 50 रुपीज़ है। बुक्स वगैरह, रुमाल कैरी करना है, टॉवल वगैरह, ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अम्ब्रेला भी ले सकते हो आप यहाँ से। भाई पहले जय भोले बाबा जी, घंटी बजाते हैं, वो करा है 6:18 पे। तो देखते हैं भाई हम तुंगनाथ बाबा जी के द्वार पे कितने बजे पहुँचते हैं। कच्चा रास्ता है और स्लिपरी है, देखो बर्फ ही बर्फ है भाई, और ब्लैक आइस की वजह से है ना काफ़ी स्लिपरी हो रहा है भाई। रिस्की भी है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन भाई बर्फ में ना काफ़ी संभल के चलना पड़ता है। आपका नाम क्या है? कुंडे अच्छा, और आपका, आप लोग कहाँ से हो? महाराष्ट्र से। अच्छा, आपने इससे पहले भी ट्रैक किया हुआ है? हाँ। अच्छा, ये आपका फर्स्ट टाइम है चोपटा वाला? तो भाई वेदर है ना अचानक से खराब हो गया है, ठीक है, बर्फ ज्यादा बता रहे हैं। तो भाई अब देखते हैं भाई, हमारा तुंगनाथ बाबा का मंदिर भी अभी बचा हुआ है कवर करना, ऊपर तो तब पहुंचेगा, स्नोफॉल ज्यादा हो चुकी है फिलहाल अभी के लिए। फिर ट्रैक का जो रास्ता है ना गाइस काफ़ी मुश्किल है भाई, ना मना कर रहे हैं भाई, बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही है। तो इसके कपाट है ना गाइस मई में खुलते हैं, तो बाकी आपको मैं बाहर से दर्शन करा रहा हूँ भाई। भाई बहुत मेहनत लगी ट्रैक करके, स्नोफॉल भी हो रही है, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। कमेंट में भाई जय बोलना जरूर लिखना। दोस्तों को भाई जय श्याम, राधे राधे, साथ ही हर हर महादेव। सो फाइनली गाइस आज हमारा है भाई day 3, और आज सबसे पहले तो भाई सभी को गुड मॉर्निंग, वो भी चोपटा से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं भाई आप सभी को जो है ना ट्रैक कराने वाला हूँ, वो भी अपना तुंगनाथ महादेव जी का टेम्पल, जो तुंगनाथ बाबा जी हैं वो हमारे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की साइड विराजमान है। तो आज हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले, साथ ही मैं चंद्रशिला पे भी कोशिश करूँगा भाई। थोड़ा ट्रैक ऊपर सुनने में आएगा भाई, मुश्किल है, बाकी देखते भाई, सब बाबा जी के हवाले है तो सब नैया पार हो जाएगी, ठीक है। हम लोग है ना भाई सारे, मतलब मैं, मेरा भाई और एक भैया और हमारे साथ, वो भी दिल्ली से हैं। तो हम लोग भाई सुबह 4:30 बजे उठ गए थे, हम फ्रेश तो हो गए भाई, नहा धो के अपना, अभी हो रहा समथिंग 5:30, 1 घंटे में हम सारे नहा धो के फ्रेश हो गए तीनों। और अभी बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर हो रही है भाई बारिश, और अभी अंधेरा भी है 5:30, तो यार क्या उजाला होगा अभी, ठीक है, और ऊपर से बिजली भी कड़क रही है। तो अभी मैं बाहर का भी दिखाता हूँ, और हम ट्रैक भाई तब स्टार्ट करेंगे भाई, क्योंकि देखो बारिश बंद होगी तभी करेंगे यार, क्योंकि भीग गए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। भाई हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो भाई जय हो तुंगनाथ बाबा जी की, और करते हैं ब्लॉग को शुरू। ये अभी ब्लैंकेट लेके बैठा हुआ है, कह रहा है कि बारिश आ रही है, तो भाई अभी बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी हमने अपना है ना सामान वगैरह भी पैक कर लिया है, ठीक है, भैया भी बाहर खड़े हैं, और हम है ना अपना यार एक छोटा बैग लेके जाएंगे ऊपर कैरी करके, क्योंकि यार मैं अपना बड़े वाला बैग लेके इसलिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि भाई एक तो भाई चढ़ाई है, दूसरा फिर है ना परेशान हो जाऊँगा, इसमें मेरा सामान ज़्यादा है। तो हम ये छोटे वाला बैग कैरी करके ले जाएंगे, और मैं आपको एक बार बाहर का दिखाता हूँ। और भाई आपको देखो कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अपना हाथ से दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई बाहर बिल्कुल अंधेरा है, और ये देखो भाई बारिश है ना बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह का टाइम है अभी, 5:40 समथिंग हो रहे हैं, और अभी ऊपर है ना, ऊपर भी बादल है, और यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। ये हमारा आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ पे हमारे तुंगनाथ बाबा जी के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही है, तो यार आपको मालूम है पहाड़ों पे है ना मौसम जो है, वेदर अचानक कभी भी सडनली चेंज हो जाता है। मैंने अपने रूम से भाई यहाँ पे आया नीचे की साइड, आपको मैंने कहा तो भाई यहाँ पे ना खाने पीने की शॉप्स भी हैं, ये वाली शॉप भाई काफ़ी बेस्ट है, आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि भाई यहाँ पे ना खाना पीना हमने रात को भी खाया था तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अभी हम यहाँ पे आए भाई, थोड़ा सा चाय वगैरह पी के फिर निकलेंगे। और भाई हमें ना बारिश हो रही है ज़्यादा, तो अभी हम रेनकोट वगैरह देख रहे हैं। भैया कह रहे हैं यार इनके चार्जेस है ना 100 रुपीज़ का भी है, अगर आप रेंट पे लेते हो तो भाई 50 रुपीज़ है। तो ये हमारा रेनकोट है, ये देख लो। तो भाई बारिश से बचना भी जरूरी, क्योंकि भैया के पास है ना, जैसे आपको ग्लव्स वगैरह लेने ना, कैरी करना कुछ भी, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको ना, ठंड से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भैया भी हमें रेनकोट दिखा रहे हैं, आपको जैसे टोपा वगैरह लेना ना जो भी, या सॉक्स वगैरह, रुमाल कैरी करना है, टॉवल वगैरह, ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अम्ब्रेला भी ले सकते हो आप यहाँ से। कोई एक चीज़ और बताऊँ भैया, इसका रेट क्या है? इसका रेट है 50 रुपये, ठीक है, 30 रुपये
रेंट में जाएगा, अच्छा बीस रुपये वापस। अच्छा तो भाई आप लोगों ने सुन लिया होगा, अगर दो आपको महीने स्टिक के वगैरह बाद लेने ना दे तो आप सकते ले हैं, सकते हैं, हाँ बहन ने आपको रेट भी बता दिए। ठीक है भैया, थैंक यू भैया, जय भोलेनाथ। भाई हम लोग भाई रेडी हो चुके हैं ट्रैक करने के लिए, ये आपको मैं दिखाता हूँ। भाई हमने स्टिक वगैरह भी ले ली भैया से, और भाई मैंने रेनकोट कैरी कर लिया क्योंकि भाई बारिश हो रही है, तो भाई देखो सेफ्टी पहले है, तो भाई सारी चीज़ें लेके चलना चाहिए। तो भाई बोलो हर हर महादेव। आप है ना देख सकते हैं भाई, यही रास्ता है, ये हमारा ट्रैक का रास्ता है, ये सारे रेडी हो चुके हैं। हाँ भाई कैसा लग रहा है? भाई अभी तो बढ़िया। जाएंगे तो अच्छा तो एक बार जयकार हो जाए, जय भोलेनाथ। तो चलिए गाइस चलते हैं भाई, करते हैं शुरुआत। तो भाई पहले जय भोले बाबा जी, घंटी बजाते हैं। अब सामने है ना तुंगनाथ मंदिर के बारे में पढ़ सकते हैं भाई, पोस्ट करके या आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं तुंगनाथ मंदिर के बारे में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है सामने। दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ का टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको ट्रैकिंग करने के लिए टिकट लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं बता दूं गाइज, जो टिकट के प्राइजेज है वो है, अगर 5 साल से 18 साल तक अगर आपकी एज है तो आपकी टिकट का प्राइस है 50 रुपीज़, और अगर आप 18 से अबव हैं तो 100 रुपीज़ है, और फॉरनर्स की जो है 800 की टिकट्स है। तो ये कुछ टिकट प्राइजेज है, बाकी आप यहाँ से टिकट लेके अपना जो है ट्रैक शुरू कर सकते हैं। हर हर महादेव। आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे हमारा जय श्री तुंगनाथ बाबा जी के बारे में लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप पोज करके पढ़ लेना गाइस। और आसपास का दिखाता हूँ भाई व्यू, काफ़ी अच्छा नज़ारा गाइस ये देखो। और ये ट्रैक जो है गाइस टोटल हमारा 6 किलोमीटर का है, और जो हमारा तुंगनाथ बाबा जी का टेंपल है वो हमारा 4 किलोमीटर पे। सामने भाई देख सकते हैं आप, कुछ जानकारी लिखी है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आगे मार्ग तीव्र चढ़ाई क्षेत्र, धीरे चले, कोई आराम आराम से चढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप है ना भाई ये पढ़ सकते हैं, प्लास्टिक फ्री जोन, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन। तो भाई सारी चीज़ें आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हुआ चलूँगा। तो भाई कूड़ा कचरा है ना कोई भी ना ही फैलाए तो बढ़िया। भाई हमने जो अपना ट्रैक स्टार्ट करा है वो करा है 6:18 पे, तो देखते हैं भाई हम तुंगनाथ बाबा जी के द्वार पे कितने बजे पहुंचते हैं। अगर इस फूल का नाम मालूम है ना फ्लावर्स का तो भाई कमेंट में बताना, देखो कितना सुंदर है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस तो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको मैं ऊपर से व्यू दिखाता हूँ भाई, बारिश की वजह से थोड़ा ब्लर आ रहा होगा गाइस, और भाई स्नो भी दिखना स्टार्ट हो गया अपनी, आइस जो है बर्फ़ वगैरह। तो रास्ता दिखा दो भाई, कुछ इस प्रकार से हमारा ये रास्ता है ट्रैक का, और हमारे अलावा अभी कोई नहीं दिख रहा भाई, अभी पीछे भी ना आगे। जो लोग भाई आने वाले कमिंग डेज में प्लान कर रहे हैं अपना तुंगनाथ ट्रैक के लिए, चंद्रशिला ट्रैक के लिए, तो आपको मैं इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि क्या क्या कैरी करना है आप लोगों को, और कैसे रास्ते हैं, क्या खाने के लिए लेना चाहिए, क्या नहीं, मतलब सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ये व्लॉग काफ़ी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट, कमेंट में भाई हर हर महादेव ज़रूर लिखना, बाकी हमारे साथ ही ये रहे। तो भाई अभी तक फ़िलहाल कैसा लग रहा है आपको? बहुत मस्त मस्त, बस भाई बाबा जी हमारा ट्रैक पूरा करा दे तो इसी बात पे हो जाए, जय भोले बाबा, हर महादेव, हर हर महादेव। एक और नज़ारा दिखाता हूँ काफ़ी सुंदर और अद्भुत, सामने भाई अपना पहाड़ है माउंटेन्स, उस पर बर्फ़ दिख रही होगी आपको, और भाई ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है भाई, काफ़ी अच्छा और सुनहरा। अभी तक फ़िलहाल भाई हम 3 ही लोग हैं इस ट्रैक पे दिख रहे हैं, जो ऊपर बाकी और लोग हो सकते हैं। ठीक है, वो देखो भाई फॉग, देखो जूम करके दिखाता हूँ भाई, और भाई का जब ये देखो, तो मैं आपको है ना थोड़ा सा ऊपर से आके दिखा रहा हूँ व्यू, बहुत अच्छा नज़ारा गाइस। और सामने आपको है ना भाई चाय ब्रेक लेना, टी ब्रेक, तो आपके लिए ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप टी ब्रेक ले सकते हैं। और ऊपर देखो भाई कितनी सारी आइस है, ठीक है, काफ़ी बर्फ़ है गाइस ऊपर, तो मज़ा आने वाला है। और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो यहाँ पे आपको है ना टी ब्रेक लेना है तो आप ले सकते हैं, कुछ खाने पीने के लिए कैरी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं। ये देख लीजिए गाइस पोस्ट को, आप है ना पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ना कुछ कुछ भाई लोकेशन पे ना अपना नेट चल रहा है, ऊपर तो भाई बिल्कुल टावर आने वाले नहीं है, तो आपको अगर फ़ोटो वगैरह डालनी है
तो आप इस वाले पॉइंट से भाई अपना फोटो वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो वगैरह डाल सकते हैं। हमें कुछ साथी मिले हैं आते हुए। हेलो गाइस, कैसे हो? बस बढ़िया। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, ऊपर गए थे आप? बहुत बढ़िया। हमने अच्छा। सुबह 3:30 बजे से चालू किया था। अरे बताओ यार, देख रहे हो। तो आप लोग कहाँ तक गए थे? मतलब हम लोग तुंगना तो बाबा जी के दर्शन। अच्छा, तुंगना तो अच्छे से दर्शन हुए ना? दर्शन चलो बढ़िया, बर्फबारी बहुत है ऊपर। अच्छा, तो मतलब नीचे से गए, ऊपर ज्यादा स्नोफॉल है। बाकी भाई देखते हैं, हम लोग का भाई आशीर्वाद बस बाबा जी का बना रहे भाई। हमारा टारगेट तो चंद्रशिला है, देखते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, बाकी थैंक यू आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ठीक है, बाकी भाई एक बार जय करो, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। काफी स्लिपरी हो चुका है और काफी लोग भाई जो भी मिल रहे ना वो तुंगनाथ तक ही गए, कह रहे चंद्रशिला पे काफी बर्फ पड़ रही है और भाई कच्चा रास्ता है और स्लिपरी है। देखो बर्फ ही बर्फ है भाई, और ब्लैक आइस की वजह से है ना काफी स्लिपरी हो रहा है। कुछ लोग है ना यहाँ से भी जाते शॉर्टकट है। बाकी मैं भाई रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेना भाई, ना अपनी लाइफ से ना भाई, क्योंकि भाई सबकी फैमिली है भाई, सब देख के चलो। ठीक है, तो भाई बी केयरफुल और बाकी स्टे सेफ। साथ ही अपना भाई भोलेनाथ जी का जयकारा लगाते हो, चलो जय भोलेनाथ। मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई से। भाई देख लो, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे ट्रैक करने आते हैं बाबा जी के मंदिर। आपका गुड नेम क्या है भैया? नील। अच्छा नील, भाई अभी भैया ने बताया, भैया तो भाई चंद्रशिला ट्रैक करके आए। सुबह भैया आप कितने बजे निकले थे? 2:30 बजे बोल रहा था मैं। अच्छा, 2:30 बजे निकले थे। कितने घंटे? 3 घंटे। अरे भाई 3 घंटे में भैया का भाई गेटअप देख लो, भैया ने सारी चीजें भाई प्रॉपर कैरी की है। तो भाई एक जयकारा लगा दो भाई, भैया को देख के ना हमारा भी हौसला और बढ़ गया। ठीक है, बोलो भाई जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भाई देखो भाई बादल है, आपको लग रहा होगा फॉग है, ये देखो। और ये भाई देखो इधर भी बादल है, बादलों में आ चुके हैं। और भाई अब रास्ता है ना देखो कुछ इस तरीके का है, छोटा रास्ता होता जा रहा है। और ये हमारे साथी ऊपर जा रहे हैं, ये देखो बर्फ ही बर्फ। 13,000 फीट ऊपर चढ़ाई चढ़ाई। तो भाई आप सुन सकते हैं, भैया हमारे जो साथी है वो बता रहे हैं 13,000 फीट की हाइट है ऊपर चंद्रशिला तक की, जो चोपटा से है। हाँ, चोपटा से है जहाँ पर गाड़ी रुकती है। हाँ, जो अपना जहाँ पे मैंने बताया ना वहाँ पे आप टी ब्रेक ले सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं। बिल्कुल नीचे की बात करोगा इसमें, जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। तो देखते भाई अपना सफर तय करते, जय भोलेनाथ। भाई हमारा जो ट्रैक का रास्ता है ना ये है, और सामने आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको भाई, तुंगनाथ टेम्पल एक जगह ये है और चंद्रशिला गाइस ऊपर है वो टॉप पे। तो देखते हैं भाई कैसा रहता है, कोशिश रहेगी अपना ऊपर तक जाने की, कोई जल्दी नहीं है अपना, धीरे धीरे ट्रैक करेंगे क्योंकि भाई स्लिपरी रास्ता है तो रिस्क नहीं लेना, आराम से ट्रैक करेंगे भाई और सब हो जाएगा। और आपको मैं बता दूँ भाई ऊपर है ना बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा गाइस। बाबा की जय बाबा जी। ये आप लोग कहाँ से हो? अच्छा, आप लोग कहाँ तक गए थे ऊपर? पूरा तुंगनाथ चंद्रशिला तक? नहीं, चंद्रशिला तक जा नहीं पाए। अच्छा अच्छा, लेट हो गए। अच्छा, जो स्नो थी जो हवा चली थी, अरे मजा ले नहीं पाए। अच्छा चलो कोई नहीं, कुछ स्नोफॉल तो हमने भी देख ही ली। कह रहे अच्छा चलो देखो रास्ता भी नहीं। अच्छा चलो भैया, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ना बिल्कुल भी जहाँ से हम आए नीचे से कुछ नजर नहीं आ रहा, इतना फॉग है भाई, बादल वगैरह, और दोबारा से है ना अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। और ये एक रेस्टिंग पॉइंट भी है जहाँ हमारे भाई खड़े हैं। भाई दोबारा से स्नोफॉल होगी ना स्टार्ट? हाँ, अरे बिल्कुल भाई, कुछ नहीं दिख रहा ऊपर भी देखो। तो इसलिए शायद है ना मे भी चंद्रशिला जाने से लोग मना कर रहे हैं, बहुत फॉग है भाई, बादल वगैरह, स्नोफॉल भी हो रही है। हमारी फिर भी यार कोशिश रहेगी कि यार देखो मन बड़ा करता है भाई कि अपना टारगेट जो है ना पूरा करें। बाकी ये देखो, अरे यार क्या गजब नजारा भाई, स्लिपरी है काफी ट्रैक। ठीक है, और ये देखो भाई कोई स्लिप हो गया ना सीधा नीचे है। बाकी भाई सभी जय भोलेनाथ बोलते हुए ट्रैक कंप्लीट करेंगे। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ भाई, भाई रिस्की भी है काफी, अच्छा है, लेकिन भाई बर्फ में ना काफी संभल के चलना पड़ता है। और स्टिक भाई जमा के चलो भाई, कोई दिक्कत ना। और स्नोफॉल देखो आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, ये देखो भाई बर्फ गिर रही है, ये देखो। हेलो, कैसे हो आप लोग? आपका नाम क्या है? कुंडे। अच्छा, और आपका? आप लोग कहाँ से हो? महाराष्ट्र से। अच्छा, आपने इससे पहले भी ट्रैक किया हुआ है? हाँ। अच्छा, ये आपका फर्स्ट टाइम है चोपटा वाला? हाँ। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा ऊपर जाके? एक्सपीरियंस तो अच्छा है, हम लोग हाँ ये की वेदर भाई आपको मालूम है पहाड़ों में ना अपना वेदर चेंज होता है, कभी बारिश है कभी स्नोफॉल कम होते जाते हैं। थोड़ी बारिश तो थी। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर बाद में तो स्नोफॉल। अच्छा, अच्छा, कुछ भी दिन नहीं। हाँ, अब दोबारा से स्नोफॉल स्टार्ट हो चुके गाइस। और मैं आपको ये भी बता दूं भाई, आप लोगों ने कब ट्रैक स्टार्ट करा था सुबह? हमने सुबह 5 बजे स्टार्ट किया। अच्छा, तो भाई ये तुंगनाथ तक गए थे,
तो भाई देखो जिसको जहाँ तक जाना है बाबा जी के देखो आशीर्वाद से भाई अपना ट्रैक कंप्लीट करे और जयकारा लगा दो भाई। जय भोलेनाथ। ना बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं भाई मेरे रेनकोट पे भाई बर्फ ही बर्फ है। पीछे ना आपको दिखा दो, कुछ नजर नहीं आ रहा। ये देखो भाई ऐसी भाई स्नोफॉल भाई मैंने मेरी तो फर्स्ट टाइम भाई पहली बार देखी, मजा आ रहा है। ठीक है ये देखो भाई नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ से आए थे और भाई एक रेस्टिंग पॉइंट हमें मिला है, ये मैं आपको दिखा दूँ। भाई हमें ना यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि भाई स्नोफॉल है ना काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये देखो भाई भाई बर्फ़ है ना बहुत ज़्यादा पड़ रही है भाई। ये देखो तो भाई वेदर है ना अचानक से ख़राब हो गया है। ठीक है बर्फ़ ज़्यादा बता रहे हैं तो भाई अब देखते हैं भाई हमारा तुंगनाथ बाबा का मंदिर भी अभी बचा हुआ है कवर करना। ऊपर तो तब पहुँचेगा, स्नोफॉल ज़्यादा हो चुके हैं और चंद्रशिले तो यार मना कर रहे हैं, कह रहे कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही है अब। ठीक है ये देखो भाई कितना प्यारा और कितना सुंदर नज़ारा भाई। अच्छा आप लोग कहाँ से ट्रैक करके आ रहे हो, तुंगनाथ से आ रहे हो या चंद्रशिला? अच्छा 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 तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप ऊपर तक गए थे? अच्छा अच्छा भाई इनका बैग देखो, आप एक बार बैक साइड हो ना भाई, इनका बैग देखो बर्फ कितनी स्नोफॉल काफी हो रही है। ऐसे भाई ये बता रहे विंटर्स में भी नहीं होती, आपको यहाँ पे ना काफी स्नो देखने को मिलेगी। मैं आपको बाहर से भी एक और व्यू दिखाता हूँ, ये देखो बहुत स्नोफॉल हो रही है। तो बीच बीच में ना कुछ डिस्टेंस पे गाइस काफी सारे ना रैश करने के लिए ना पॉइंट्स बना रखे हैं। आप देखो तो भाई मेरे शूज भी देख लो भाई पूरा बर्फ, कितनी ठंडी है भाई, सही बता रहा हूँ। बहुत मजा भी आ रहा है भाई और थोड़ा रिस्की भी है गाइस, क्योंकि देखो स्लिपरी है भाई वो पूरा का पूरा ट्रैक, और है ना हमारे साथी भी ऊपर जा के आप आओ सेफ्टी से ट्रैक करो। और भाई अपना कैरी कर लेना सामान, थोड़ा खाने पीने का बिस्किट वगैरह भाई, नमकीन चिप्स, ठीक है लाइट खाना लेके आओगे ऊपर तो सही रहेगा यार। हैवी ब्रेकफास्ट करोगे तो आपसे ना ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी। तो भाई बर्फ़ देखो भाई मेरे पीछे आपको, और भाई चंद्रशिला ऊपर है और कह रहे यार वेदर ख़राब है तो यार ट्रैक है ना चंद्रशिला का, देखते भाई क्या होता है। वैसे तो सभी बता रहे भाई बर्फबारी ज़्यादा हो रही तो वही मुश्किल है, लेकिन देखते हैं। होप सो भाई तुंगनाथ पे चलते पहले वहाँ फोटो वगैरह क्लिक करेंगे भाई, दर्शन करते हैं बाबा की। तो बोलो जय भोलेनाथ। कुछ लोगों के जो ट्रैक करके गए हैं भाई तो उनके फुटप्रिंट्स हैं, तो आप है ना भाई स्टिक को अच्छे से जमा के तब आगे दो कदम बढ़ो, आराम से करो ट्रैक। भाई टॉयलेट्स की भी फैसिलिटी है आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई तुम्हारा भाई बर्फ में चल रहा है और टेम्पल में बस पहुँच ही गए गाइस, ऊपर दिख रहा है ना बस वहीं जाना है यार। ठीक है ये देखो भाई टेम्पल आपको दिखाता हूँ भाई, पूरा ना कश्मीर बन चुका है। देखो आपको नज़ारा भाई, सोचा नहीं था भाई कि इस बार ऐसे स्नोफॉल में ट्रैक करेंगे। ठीक है लेकिन जो होता है ना गाइस अच्छे के लिए होता है, बाबा जी की कृपा से सब कुछ बर्फ से कवर हो चुका है। देखो भाई यहाँ पे वॉशरूम है, आपको यूज़ करना है वॉश बेसन वगैरह है आप यूज़ कर सकते हैं भाई, बाकी पानी वगैरह डाल लेना भाई पुरुष और महिलाओं के लिए सभी के लिए है। बच्चों को लेके तो भाई बिल्कुल आप ना आए फिलहाल अभी के लिए, फिर ट्रैक का जो रास्ता है ना गाइस काफ़ी मुश्किल है भाई, क्योंकि यार बर्फबारी पड़ रही है ना। तो मैं बताऊँ मैंने भाई काफ़ी सारे ट्रैक करे, मेरे को ना एडवेंचर्स करने का शौक है। ठीक है ट्रैक वगैरह करने का नेचर के बीच, तो भाई मैंने काफ़ी सारे ट्रैक करे पहले भी, लेकिन ये वाला जो ट्रैक है ना मज़ा आ रहा है, बर्फ़ भी है ठीक है अलग ही एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। लेकिन यार मैं ये बोलूँगा आप रिस्क ना ले, जहाँ तक आप जा सकते जाए, बच्चों को लेकिन भाई बहुत संभाल के लेके आओ यार। तुंगनाथ टेम्पल हम पहुँच चुके भाई, थोड़ा सा और ऊपर जाना है। ठीक है चलते भाई दर्शन करते हैं बाबा जी के, तो लेट्स गो। और साथ ही भाई बता दूँ भाई बर्फ़ देखो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी स्नोफॉल हो रही है गाइस। तो फाइनली दोस्तों हम लोग भाई पहुंच चुके हैं हमारे बाबा जी की नगरी में भाई, तुंगनाथ बाबा जी के टेंपल। ठीक है फिलहाल गाइस हमने जो ट्रैक स्टार्ट करा था वो करा था भाई 6:18 पे, और भाई हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी स्नोफॉल हो रही है भाई, बिल्कुल कश्मीरी लग रहा है, कश्मीरी भी फेल है भाई, इतनी बर्फ है ना विंटर्स में पड़ती है। नहीं तो कई बंदे वो तो बता रहे हैं कि भाई कश्मीर में ना इतनी विंटर्स में नहीं पड़ती, स्नोफॉल भाई इतनी हो रही है। तो बाबा जी की कृपा से भाई सही बता रहा हूँ मैं, हमारे दर्शन भी अभी मैं कराता हूँ आप सभी को, और बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बर्फ़ की चादर ही चादर सारी जगह। ठीक है तो भाई भोले बाबा जी की कृपा से हम पहुँच गए, हमारा ट्रैक भाई यहाँ तक सफल रहा। बाकी यार चंद्रशिला है ना बर्फ़ ज़्यादा हो रही है, मना कर रहे हैं तो भाई थोड़ा
मुश्किल रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो भाई, ये रहा हमारा बाबा जी का मंदिर है भाई, तुंगनाथ बाबा जी का। तो भाई सभी बोलो जय भोलेनाथ। चलता हूँ भाई, यहाँ पे ना यार देखो रास्ता भी बंद कर रखा है, तो आगे मैं आपको भाई आगे लेके नहीं जा सकता। कोशिश करता हूँ एक बार वहाँ जाने की, ठीक है, क्योंकि भाई देखो दर्शन तो कर नहीं सकते, क्योंकि दूर से कर लो भाई, क्योंकि टेम्पल जो है बंद है। मई में इसके कपाट खुलते हैं, तो अभी कपाट बंद है। तो चलते भाई आगे देखते हैं। बाकी बहुत भाई शिद्दत से हम ऊपर आए भाई, स्नोफॉल भी देखने को मिल गई। इससे बड़ी चीज यार क्या हो सकती है सभी के लिए। हर हर महादेव, जय श्री जय भोलेनाथ। भाई दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये देख लो वो अपना तुंगनाथ बाबा जी का टेम्पल। भाई बर्फ है ना हाथ से ज्यादा पड़ रही है, ये देखो। और आपको मैं बता दूं भाई, ये अपना है ना पंच केदार में से एक है, जो कि तृतीया केदार बोलते हैं। ये देखो पंच केदार दर्शन, श्री केदारनाथ जी, माँ महेश्वर और ये श्री तुंगनाथ बाबा, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं, साथ ही इस पे नाम वगैरह भी मेंशन है, ये देखो। लेके नहीं जा सकता भाई, यहाँ पे है ना मना कर रहे हैं भाई, बर्फ ज्यादा पड़ रही है। तो इसके कपाट है ना गाइस मई में खुलते हैं, तो बाकी आपको मैं बाहर से दर्शन करा रहा हूँ भाई। भाई बहुत मेहनत लगे ट्रैक करके, स्नोफॉल भी हो रही है, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। कमेंट में भाई जय बोलना चलो लिखना। तो आइए इससे आगे का सफर जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ अपडेट। तो दर्शन कर लीजिए, चलिए चलते हैं। तुंगनाथ बाबू जी के भाई दर्शन कर लिए, हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखना भाई। बाकी मैं बता दूँ भाई, अभी है ना कुछ लोग आए थे भाई, वो कह रहे हैं अलर्ट करके गए भाई कि बर्फ हो रही है ज़्यादा, ठीक है। तो भाई ऊपर चंद्रशिला ट्रैक है ना, आपको मैं दिखा दूँ ऊपर है, एक बार मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा। बाकी भाई बहुत मज़ा आ रहा है, नज़ारा बड़ा प्यारा है भाई, बर्फ़ का अंदाज़ा नहीं था इतनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो चंद्रशिला ट्रैक है ना लगभग यहाँ से ऊपर 1 से 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन भाई आपको रास्ता में दिखा दूँ भाई कैसे जाएंगे, यार देखो आप खुद ही बर्फ़ ही बर्फ़ यार बहुत ज़्यादा, ठीक है। और पीछे भी देखो भाई पूरा कश्मीर बन चुका है फिलहाल, बहुत प्यारा नज़ारा है भाई, और सब मजा आ गया। हमारे साथी ये खड़े, तो इनसे पूछता हूँ मैं चलना है नहीं चलना है। वैसे सभी भाई अलर्ट बोल के जा चुके हैं, तो भाई मुश्किल है भाई चंद्रशिला ट्रैक करना। बाकी बाबा जी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ठीक है। हर हर महादेव। बाकी मेरे को ये बता कि चंद्रशिला ट्रैक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या अभी अलर्ट बोल के गए क्या करना है? तो सभी ने मना कर दिया भाई। बाकी हमारे कुछ साथी भी हैं, तो भैया आपका नाम क्या है? आयुष। आयुष आप लोग कहाँ से आए हो? अच्छा नोएडा से। भाई देखो हमारे काफ़ी सारे साथी दिल्ली से मिल चुके हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ के? बहुत बढ़िया। क्या स्नोफॉल का आपने कुछ आइडिया था आपका? नहीं था ना, स्नो ऊपर दिखेगी है ना भाई, स्नोफॉल इतना औसम हो रहा है। बाकी कश्मीर भी फेल है भाई, मेरा मानना तो है ना भाई, ठीक है। कश्मीर वाले वहाँ रो रहे हैं। बाकी दर्शन कैसे हुए आप लोगों? अच्छा चलो भाई बहुत अच्छी बात है भाई, देखो नज़ारा बहुत प्यारा है। तो फिलहाल भाई हम है ना अब यहाँ से बस रवाना होते हैं भाई, फोटो वगैरह क्लिक करके, क्योंकि बर्फ़ है ना भाई ज़्यादा पड़ रही है, और भाई मौसम हो चुका है खराब पहाड़ों का। ट्रैक स्टार्ट करा 6:18 पे, मैं दोबारा से आपको टाइम बता दूँ, 9:20 हो रहे हैं, 9:16 पे हम पहुँच चुके थे ऊपर तुंगनाथ बाबा के टेम्पल। तो आप टाइमिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कितने बजे पहुँचे। बाकी यार हमारा ट्रैक का ऊपर का भी प्लान था, और भाई कुछ लोग अभी ऊपर से आ भी रहे चंद्रशिला से, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, सामने जूम करके दिखा रहा हूँ भाई। काफ़ी लोग हैं ना भाई ट्रैक करके आ रहे हैं चंद्रशिला ट्रैक करके, और ये देखो भाई सारे जा रहे हैं वापसी। तो भाई फिलहाल हम भी चलते हैं। कैसा लग रहा है दर्शन करके? यार मजा आ गया भाई, मन तो ऊपर जाने का है ना सभी का, लेकिन भाई मगर मजबूरी है। हाँ मजबूरी है भाई, इसलिए भाई बर्फ ज्यादा है। अब सीधा भाई मैं ना आपको देखो, आपको मैंने ऊपर तक का ट्रैक दिखा दिया, अब मैं सीधा आपको नीचे मिलता हूँ, कितने बजे पहुंचते हैं भी बता दो गाइस। जाते जाते नीचे, ये हमारा जो तुंगनाथ बाबा जी का टेम्पल है भाई, वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्पल है महादेव जी का, तुंगनाथ बाबा जी का। और भाई इसकी जो जो हाइट है, हाँ भैया बता रहे भाई केदारनाथ से भी ज्यादा हाइट है, और भाई जो नजारा है ना स्वर्ग से कम नहीं है भाई, स्वर्ग ही है ये पूरा, स्वर्ग से बढ़कर ही है। हाँ भाई इससे ऊपर है क्या है ना। तो बाकी हमारे भैया कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे हमारे सभी भाइयों को? बस दर्शन करने यहाँ जरूर आए, है ना, भी देख रहे इस ब्लॉग को बच्चों, और भाई बच्चों को लेके ना रिस्की है, मतलब सुनो थोड़ा सा रिस्क। हाँ सीजन में आना,
जून जुलाई के आसपास, बस तब आओ मई में जैसे कपाट खुलते हैं। लेकिन यार अभी तो भाई देखो आप लोगों के लिए ना इतनी मेहनत कर रहे, व्लॉग बनाया, दर्शन कराए, तो बस अब यहाँ से रवाना होते नीचे। चलिए वो भाई देखो बर्फ में ना जूते वगैरह शूज सब कुछ, और ये डंडा देखो स्टिक, मेरा जूते देखो यहाँ भाई का जूता भी है ना पूरा, ये देखो फुल मजे करे भाई हमने, भाई का देखो पूरा गेटअप है ना बर्फ बर्फ में हो गया है। तो चलिए गाइस चलते नीचे। भाई तो कुछ भाई मेरे फॉलो करो सब्सक्राइब करो, बहुत बढ़िया ब्लॉग है भाई। कुछ भाई मेरे मिले भाई, आप अपना गुड नेम बता दो सभी। आर्यन रविश। अच्छा आप लोग कहाँ से हो भाई? भाई सभी भाई हमारे ना मोस्टली जितने मिले दिल्ली से मिले, और बहुत मजा आ रहा है हम लोग दर्शन करके आगे। ये भाई लोग अभी जा रहे हैं, तो वेदर तो भाई देखो चेंज होता रहता है यहाँ पे, और बर्फ इतनी है भाई। मेरा बड़ा मन है चंद्रशिला, लेकिन यार कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते भाई। भाई कह रहे मैं होके आता हूँ, मैं कोई नहीं यार देखो कोई भी जाओ दर्शन करके आओ। बाकी भाई जयकारा लगा दो, जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव। गाइस हम लोग जो है भाई ट्रैक करके नीचे आ चुके हैं, आपको मैं टाइम बता देता हूँ। जो स्टार्ट करा था 6:30 बजे, और हम तुंगनाथ टेम्पल जो है ऊपर पहुंच चुके थे हम करीब 9 बजे। तो आप टाइम का कैलकुलेशन करके भाई अंदाजा लगा सकते हो कि हमने कितनी जल्दी कवर करा। साथ ही उसके बाद भाई मैं सही बताऊँ, रास्ते में इतनी स्नोफॉल हुई भाई, फर्स्ट टाइम था भाई चोपता का जो ट्रैक करा। ठीक है, उससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे ट्रैक करे गाइस, लेकिन भाई चोपता वाला ट्रैक करके ना काफ़ी मजा आ गया। और भाई अंदाजा नहीं था कि जो हमें ऊपर है ना महादेव जी की नगरी देखने को मिलेगी ऐसी सुंदर, और वो भी स्वर्ग जैसी। ठीक है, वाकई में भाई स्वर्ग है। और इसका जो ट्रैक है ना गाइस वो 4 किलोमीटर तक का था तुंगनाथ जी का। उसके बाद हम चंद्रशिला जा रहे थे गाइस, तो आपको मैंने जैसे वीडियो में बताया कि भाई वहाँ है ना तूफान आ चुका था, आधे रास्ते हम जा चुके थे। फिर हम टॉप पे जाते ना तो दिक्कत हो जाती भाई, क्योंकि मौसम भाई आपको पता है पहाड़ों में ना काफ़ी दिक्कत हो जाती है, कभी बारिश आ रही है कभी धूप आ रही है। तो बस इस कारण से हम भाई चंद्रशिला नहीं जा पाए। तो होपफुली यार हमारा जो सफ़र था शायद क्या पता भाई बाबा भोलेनाथ जी की कृपा से, भाई तुंगनाथ बाबा जी की कृपा से हमारा वहाँ तक का ही था। लेकिन जो दर्शन हुए ना भाई वो भी इतने बढ़िया और इतने अच्छे तरीके से हुए। ठीक है, बाहर से ही, क्योंकि कपाट तो यार मई में खुलेंगे 10 या 14 मई को। ठीक है, तो बाकी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट ये बता दूं कि आप है ना अपने साथ एक छोटा बैग कैरी कर सकते हैं, जिसमें यार आप अपना खाने पीने का सामान रख सकते हैं, लाइक आपको बिस्किट वगैरह नमकीन जो भी कैरी करना है, लेकिन एक हल्का छोटा बैग है ना आप कैरी करके तब चले। तो उसके बाद आपको है ना कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जैसे भूख वगैरह लगी तो आप है ना बोतल वगैरह भी रख सकते हैं पानी वगैरह की, तो आप यार एंजॉय करोगे यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को लेकर, बाकी यार बच्चों को लेकर आ रहे हैं ना तो आपके लिए थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि भाई जो चंद्रशिला का ट्रैक है ना वो उससे ऊपर है तुंगनाथ के बाद, तो वो जो है ना ट्रैक है भाई वो काफ़ी छोटा हो जाता है, और वहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा है। तो तुंगनाथ तक तो भाई मोस्टली प्रोबेबली सभी चले जाते हैं, उसके बाद का ट्रैक थोड़ा काफ़ी टफ है। तो बस आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी गाइस मैंने व्लॉग में साथ के साथ बताई हैं। तो भाई आप है ना आ रहे हो तो प्लान कर रहे हो, जो मेरे भाई यार प्लान कर रहे हैं आने का तो भाई बेझिझक आई यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पहाड़ों में यार मौसम तो चेंज होता रहता है, वो आप सभी को मालूम है। तो भाई अच्छे से ट्रैक करा, ठीक है, खाया पिया भाई कुछ नहीं था हमने। वीडियो को भाई लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, कमेंट में भाई जय भोलेनाथ जरूर लिखना, जय बाबा तुंगनाथ जी की। और भाई वीडियो बनाने भाई बड़ी मेहनत लगती है भाई, आपने देखा होगा भाई कैसे मैं ट्रैक के साथ साथ भाई रास्ता भी आपने देखा होगा इतनी स्नो पड़ रही है, तो भाई बहुत मुश्किल होता है ऐसा व्लॉग बनाना। तो भाई फुल सपोर्ट दिखाना भाई, व्लॉग को प्यार दिखाना। चलिए भाई स्टे सेफ स्टे हेल्दी, मिलते हैं न्यू व्लॉग न्यू कंटेंट के साथ। बाकी अभी हम यहाँ से ना बस खाना वाना खा के बस निकल जाएंगे। आज हमारा प्लान है ऋषिकेश रुकने का, वहाँ अगर हम कुछ एक्टिविटी करते कुछ भी होगा तो वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो करते हैं व्लॉग का एंड, तो बाय बाय एंड टेक केयर।